सो हेलो एवरी वन वेलकम टू द डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव और हमारा दूसरा प्रश्न था दैट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कल्चर एरिया ठीक है तो कल्चर एरिया के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना था दस मार्कर क्वेश्चन है दस मार्कर क्वेश्चन का मतलब दो पेजेस ठीक है तो दो पेजेस में आपको आंसर लिखना है एंड यू हैव टू राइट ऑन द कल्चर एरिया ठीक है दस मार्कर क्वेश्चन में डायरेक्टली स्टार्ट विद व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म क्या था फ्रेंड्स बोआ आए फिर बोआ ने आगे वाइजर आए फिर मेसन आए ठीक है ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है डायरेक्टली स्टार्ट विद द कल्चरल एरिया कल्चरल एरिया क्या है इसी से शुरू कर दीजिए सो कंसेप्ट ऑफ द कल्चर एरिया इट फॉर्म द बेसिस ऑफ द हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म इट प्रोवाइड्स अ मैथडोलॉजी ऑफ़ जियो हिस्टोरिकल ट्रीटमेंट ऑफ द कल्चर ठीक है देर इज ऑफ ठीक है जियो हिस्टोरिकल ट्रीटमेंट ऑफ दी कल्चर का मतलब क्या है देखिए सबसे पहले आपके पास फ्रांस uh, बोआ होते हैं ठीक है फ्रांस बोआ हिस्टोरिकल ट्रीटमेंट कैसे करना है कल्चर का वो आपको सिखा के जाते हैं दैट हाउ टू डीनिएट दी डीलिएट दी हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया ठीक है कि अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर एरिया की हिस्ट्री जाननी है तो आपको कैसे वहां पे काम करना चाहिए वहाँ पे फील्ड वर्क कैसे करना चाहिए इथनोग्राफीज कैसे बनानी चाहिए और कैसे आपको जो उस पर्टिकुलर एरिया की हिस्ट्री है उसको जानना चाहिए ठीक है इंडिपेंडेंटली ठीक है दिस लेटर टू डिफ्यूजन वहां पे जब आप हिस्ट्रीज जाननी आपने स्टार्ट की तो आपको पता चला कि वहां पे तो डिफ्यूजन हो रहा है हिस्टोरिकली लोग इधर से उधर माइग्रेट करते रहे हैं ठीक है वहाँ पे लेकिन उसके बाद डिफ्यूजन या फिर माइग्रेशन कैसे होती हैं वो चीज़ आप नहीं बता पाए हो, वो चीज़ फ्रेंड्स बोहा बोहा नहीं बता पाए उस चीज़ को बताने के लिए यू हैव कल्चरल एरिया कल्चरल एरिया जोग्राफिकल कंसेप्ट को हिस्टोरिकल ट्रीटमेंट देता है ठीक है देयर फोर द मैथडोलॉजी दैट हैज़ बीन यूज फॉर द कल्चर एरिया इट इज जियो हिस्टोरिकल मैथडोलॉजी और द जियो हिस्टोरिकल ट्रीटमेंट ऑफ कल्चर ठीक है तो दीज आर द की वर्ड्स ये छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं इन कीवर्ड्स को ही आपको लिखना है अगर आपको बेहतर नंबर चाहिए ठीक है उसके बाद इस अप्रोच का डायरेक्टली लिख दीजिए दैट वॉट इज द एप्लीकेशन जो आपके पास मेजर एप्लीकेशन है इस अप्रोच का इट प्रोवाइड्स द अप्रोच एंड स्कीम टू डील विद द डिफ्यूजन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कल्चरल एलिमेंट्स ओवर अ जोग्राफिकल एरिया ठीक है तो डायरेक्टली जो मेजर इसका एप्लीकेशन है वो अगले ही पैराग्राफ में अगले ही सेंटेंस में आपने लिख दिया ओके okay? फिर उसके बाद किस तरह का कैसे ट्रीटमेंट देता है वो आप लिख सकते हो ठीक है बहुत करीब करीब सभी ने ये फ़िगर को ड्रा किया हुआ था देयर फॉर आई हैवेंट इंक्लूडेड फिगर इन हेयर कि यू हैव द कल्चरल कोर यहाँ पे आपके पास कल्चरल कोर होती है कल्चरल कोर से जो है वो डिफ्यूजनस होती रहती हैं ठीक है सो यू हैव डिफ्यूजन हेयर एंड देयर आपके पास ये पेरीफेरीज बन जाती हैं और ये आपके पास पेरीफेरल यहाँ पे आपके पास दीज आर द कल्चरल पेरीफेरीज ये कल्चरल पेरीफेरीज बन जाती हैं आपकी तो इस तरह से जो डिफ्यूजन है वो चारों बजाओं में चारों दिशाओं में होता रहता है ठीक है इट वॉज़ गिवन बाय एवरी लेकिन गलती क्या हो गई कि इसके बाद कल्चरल कोर क्या होती है पेरीफेरीज क्या होती हैं इन चीज़ों को ही डिफाइन करने में लग गए और जो बाकी चीज़ें हैं वाइज़र का क्या कंसेप्ट है वाइज़र का क्या कंट्रीब्यूशन है मेसन का क्या कंट्रीब्यूशन है क्ला आ, क्रोबर का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है उन चीजों को आप बिल्कुल भूल गए ठीक है तो उसके बाद क्या इस आ, किस तरह से इन चीजों का एवोल्यूशन होता है पूरा प्रॉपर सब कुछ लिखना है बट यू हैव टू राइट ओनली द की कि एटलीस्ट एग्जामिनर को पता चल जाए कि हर एक डायरेक्शन को टच किया है ठीक है सो so, ओ इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है सो ही डिफाइंड द कल्चरल एरिया ऑफ द एथनिक एन्वायरमेंट एज अ जोग्राफिकल एरिया ठीक है सबसे पहले जोग्राफिकल एरिया का जो कंसेप्ट है वो ओटी मेसन ही लेके आते हैं ठीक है जहाँ पे आपके पास सिमिलर कल्चरल ट्रेड्स निकलते हैं तो उन्होंने अठारह कल्चरल एरियाज बनाए एटीन कल्चरल एरियाज या फिर कल्चरल इन्वायरमेंट्स बनाए उसके बाद उन्होंने बारह को ये रिड्यूस कर दिया क्लार्क वाइजर क्लार्क वाइजर आए ठीक है उन्होंने फिर उसके बाद जो हिस्टोरिकल ट्रीटमेंट है इन कल्चरल इन्वामेंट्स को वो देना शुरू किया और हिस्टोरिकल ट्रीटमेंट दे के उनकी हिस्ट्रीज़ को जान के उन्होंने टेन कल्चरल एरियाज़ नॉर्थ अमेरिका में बनाए ठीक है यू कैन राइट एनी ऑफ देम ठीक है फॉर एग्जांपल करके कोई भी चार पांच लिख दीजिए सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है फालतू का लोड दिमाग पर मत लीजिए फिर चार जो हैं वो साउथ अमेरिका में बनाए और एक जो है वो कैरिबियन में बनाया फिर उसके बाद उन्होंने कल्चरल एरियाज को ही फूड एरियाज में तब्दील किया ठीक है ऑन दी ऑन दी बेसिस ऑफ दी फूड हैबिट्स ठीक है तो जहां पे बिसन्स को ज्यादा पाला जाता है सेलमोन्स को ज्यादा तो उन्होंने ये फूड एरियाज को इक्वेट किया कल्चरल एरियाज से ठीक है तो ये आपके पास जो तीन कॉन्ट्रीब्यूशन हैं ये किसकी होगी आपके पास यू हैव द्लार्क वाइजर तो ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन हैं क्लार्क वाइजर की हो वाइजर की होगी ठीक है फिर उसके बाद आती है बात ए एल क्रोबर की ए एल क्रोबर ने इसी कंसेप्ट को ग्रेडेड एरियाज के कंसेप्ट में तब्दील कर दिया ग्रेडेड एरियाज एंड सब ग्रेडेड एरियाज यहाँ तक क्या दिक्कत आ रही थी यहाँ तक ये दिक्कत आ रही थी कि आप डाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो फूड आपने देखिए जो वाइज़र थे उन्होंने फ़ूड एरियाज़ बनाए लेकिन फ़ूड तो इतना डायवर्स है कि अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हो फूड चेंज हो जाता है फ़ूड में और ज़्यादा डायवर्सिटी आ जाती है तो डाइवर्सिटी को बताने के लिए यू हैव ग्रेडेड एरियाज ए एल क्रोबर ने ग्रेडेड एरियाज बनाए और उन ग्रेडेड एरियाज़ के सब एरियाज़ बनाने स्टार्ट कर दिए इन दी नॉर्थ एंड दी सेंट्रल अमेरिका और इन्होंने फिर कल्चरल क्लाइमेक्स का कंसेप्ट दिया कल्चरल क्लाइमेक्स का कंसेप्ट क्या है देखिए जो कोर है अभी तक हमने क्या किया कि ये जो कोर है और पेरीफेरीज हैं वहां तक डिफ्यूजन होता जा रहा है जाते जाते जो डिफ्यूजन है वो डिमिनिश भी होता जा रहा है ठीक है लेकिन जो कल्चरल कोर है वो खुद भी इवॉल्व होती रहती है ठीक है कल्चरल कोर खुद भी इवॉल्व होती जाएगी और ये डिफ्यूजन भी करती जाएगी तो ये जो एवोल्यूशन वाला इसमें कल्चरल कोर में कंसेप्ट है ये आपके पास एल क्रोबर लेके आए थ्रू द कंसेप्ट ऑफ दी कल्चरल क्लाइमैक्स ठीक है तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है आंसर में देन ओनली योर आंसर इज होलिस्टिक फिर उसके बाद क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म के कोई भी दो या तीन पॉइंट्स आप लिख दीजिए जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं क्वेश्चन के हिसाब से ठीक है सो so मेन जो मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं सो कल्चरल एरिया ये आपके पास वे कंसेप्ट है आजकल की इंडस्ट्रियल एरियाज में आप नहीं अप्लाई कर सकते ये आप परमिटिव एरियाज में ही अप्लाई कर सकते हो कल्चरल एरिया का जो स्कोप uh, है वो बहुत नैरो रह जाता है ठीक है आप वर्ल्ड वाइड इसकी कोई प्रॉपर स्कीम नहीं बना पाते हो देन इट अपीयर्स टू बी स्टैटिक ठीक है काफ़ी स्टैटिक लगता है लेकिन माइग्रेशंस जो हैं वो कंटीन्यूसली होती रहती हैं और ऐसा नहीं है कि चारों बुझाओं में एक ही स्पीड में होगी अलग अलग स्पीड्स में होती हैं ठीक है देन दे एन्फसाइज टू मच ऑन दी कल्चरल कल्चरल सेंटर कल्चरल सेंटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एन्फोसिस रहता है ठीक है अकॉर्डिंग टू देम द इनहेबिटेंट्स ऑफ द कल्चरल सेंटर दे वर द इन्वेंटर्स ऑफ द कल्चरल ट्रेड्स एंड कंप्लेक्सेज बर इसका कोई इंपेरिकल डाटा इंपेरिकल प्रूफ आपको नहीं अभी तक मिला है इट्स जस्ट अ थ्योरी ओके देन दे गेव टू मच इंपॉर्टेंस ऑन द मटेरियल कल्चर मटेरियल कल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है जो नॉन मटेरियल आस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर हैं उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है ठीक है वाइजर ने यह हाइपोथाइज किया था कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो आपके पास सारी डायरेक्शंस में इक्वल रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है और सभी डायरेक्शंस में जो आपके पास कल्चरल कंटेंट्स हैं वो डिफ्यूज़ करते हैं बट इट दिस इज नॉट अ केस ठीक है ये ये भी नहीं एक्सप्लेन करता है दैट हाउ द कल्चरल कंटेंट्स दे आर अडेप्टड अडेप्टन का कंसेप्ट तो ये लेके आते हैं ठीक है ये भी कहते हैं कि अगर जो चीज़ें आपको जरूरत होगी वो आप ले लेंगे अडेप्टन होगी कल्चर में डिफ्यूजन के बीच में अडेप्टन होती है ठीक है लेकिन हाउ दे आर गोइंग टू अडेप्टड उनका कोई क्राइटेरिया नहीं बना पा रहे हैं ये ओके सो दीज आर द द्रिटिसिजम देन कंक्लूजन कंक्लूड विद सम पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रहते हैं दे हैव ग्रेटली ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द सिविलाइजेशन स्कूल ठीक है सिविलाइजेशन स्कूल ऑफ कल्चर उसको बहुत ज्यादा इन्होंने इंफ्लुएंस uh, किया है यही सिविलाइजेशन स्कूल ऑफ कल्चर है जो आपके पास मेक्सिको में उन्होंने स्टडीज की थी ठीक है और फिर आपके पास यही सिविलाइजेशन स्कूल है अमेरिकन सिविलाइजेशन स्कूल है जो इंडिया में स्टडी करता है ग्रेट ट्रेडिशन लिटिल ट्रेडिशन जैसे कंसेप्ट लेके आता है ठीक है तो इनडायरेक्टली जो ग्रेट ट्रेडिशन लिटिल ट्रेडिशन वाले ये जो सारे कंसेप्ट हैं आ, ट्राइबल आ, आ, जो आपके पास आ, अर्बन कंटिन्यूम जैसे कंसेप्ट हैं ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं दे आर सम वे और अदर इन्फ्लुएंस्ड बाय योर अमेरिकन डिफ्यूजन स्कूल और द कल्चरल एरिया अप्रोच ओके सो दिस इज हाउ यू शुड आंसर होलिस्टिकली लिखिए क्वेश्चन को समझ के आप आंसर लिखिए ठीक है देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स सो थैंक यू वेरी मच अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है डू राइट इन द कमेंट सेक्शन ठीक है और आपको एक टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा उस टेलीग्राम को उस टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस थैंक यू वेरी मच